हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ दिस ब्यूटीफुल गॉर्जियस ईद मेकअप लुक, जो कि काफ़ी इजी है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकअप स्टार्ट करने से पहले स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं मेरे क्लीन फेस पे बायोटिक की क्यूकम्बर टोनर यूज़ कर रही हूँ। इससे आपकी पोर्स जो है मिनिमाइज होती है, आपकी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ कर रही हूँ बायोटिक की बायोडेंडेलियन एजलेस सीरम। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छी तरीके से आपके फेस को हाइड्रेट करता है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मॉइस्चराइज़र है ये एक। उसके बाद मैं प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ पर्पल की प्राइमर। ये पर्पल की एचडी प्राइमर है, जो कि सिलिकॉन बेस एक प्राइमर है, काफ़ी अच्छा प्राइमर है, अफोर्डेबल है और सिलिकॉन बेस प्राइमर होने के कारण आपके जो पोर्स है उनको मिनिमाइज़ कर देता है, आपकी फेस को जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ बना देता है, जिससे जो है फाउंडेशन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी बनता है। तो अब मैं फेस को हाई फेस की हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की हेलो हाइलाइटर। इसको मैं मेरे जो भी फेस के हाईएस्ट पॉइंट से उन पे अप्लाई कर रही हूँ लिक्विड हाइलाइटर, जिससे मेरी मेकअप जो है काफ़ी ज़्यादा डूई लगे, और इसको मैं फिंगर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, ये है एनवाई बेकी कंसीलर, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, बहुत इजीली ब्लेंडेबल है। ये मेरी स्किन टोन से एक शेड डार्क है, जिससे मेरी जो भी अंडर आइज की डार्कनेस है, जो भी पिंपल मार्क्स है, जहाँ जहाँ मेरे ब्लैक स्पॉट है, वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। इसमें मेरी शेड है 11 कैरमल पेंसिल। देख सकते हो आप इसकी पिगमेंटेशन कितनी अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है। इससे मेरी डार्क सर्कल कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से हाइड हो गई है। ये एक टिप है, अगर आपकी इस फेस पे डार्क सर्कल है, पिंपल मार्क्स है, तो आप अपने शेड के से एक या दो शेड डार्कर कंसीलर से उसको हाइड कर सकते हो। उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की सुपरस्टे फाउंडेशन, और इसको मैं पूरी फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ। नेक पे मत भूलिएगा, नेक पे भी अच्छी तरीके से अप्लाई करना पड़ता है। अब मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश की मदद से अच्छे से मेरे फाउंडेशन को जो है मेरे पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अपने कान मत छोड़िएगा, कान पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कीजिएगा। अगर आप डे पे ये वाला ईद मेकअप लुक कर रहे हो, तो आपको आप एक सनस्क्रीन यूज़ करना ज़रूर मत भूलिएगा। अब भी मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरे जो फेस को है अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। फाउंडेशन में मेरी जो शेड थी वो है 220 नेचुरल बेज। उसके बाद एक हाइलाइटिंग कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, तो हाइलाइटिंग कंसीलर के मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की एज रिवाइंड कंसीलर इन दी शेड मीडियम। ये मेरी स्किन टोन से एक शेड लाइटर है, तो इसीलिए मैं इसको एज अ हाइलाइटिंग कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मेरे अंडर आइज पे, मेरे आईलिड पे, थोड़ा सा फॉरहेड पे, नोज़ पे, ब्रिज ऑफ द नोज़, और जहाँ हम कॉन्टोरिंग करते हैं उसके ठीक नीचे जॉ लाइन के ऊपर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। ये जो कंसीलर है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पिगमेंटेड है और इसकी कवरेज जो है काफ़ी फुल कवरेज है, मीडियम टू फुल कवरेज। आज मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उसके सारे के सारे जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, प्लीज़ चेक कर लेना। और जो मैंने ड्रेस पहना है, ईयरिंग है, सबका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद मैं पूरे फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की सफ़ायर लूज पाउडर। ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल पाउडर है, बहुत ज़्यादा अच्छा एक फाइन पार्टिकल्स है इसके, बहुत ही अच्छी तरीके से आपके फाउंडेशन कंसीलर को सेट करवा देता है और ऑयल फ्री रखता है आपके फेस को। इसको मैं एज अ बेकिंग प्रोसेस के लिए यूज़ कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मैंने हाइलाइटिंग कंसीलर जो है उसको अप्लाई किया है वहाँ मैं थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, और पूरे फेस पे जो है थोड़ा सा पाउडर लेके एक ब्रश की मदद से मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ, जिससे मेरी फाउंडेशन कंसीलर जो भी है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो आज मैं आई मेकअप के लिए दो पैलेट यूज़ करने वाली हूँ। ये एक है निकाके की 9 कलर आई शेडो पैलेट, और ये एक स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट 9 कलर। इसमें से जो लाइट ब्राउन शेड है उसको लेकर मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मेरे आउट ऑफ व्यू एरिया और क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा कलर ले रही हूँ और इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अभी मैं एक डार्क ब्राउन शेड
मरूनिश ब्राउन शेड की तरह है, थोड़ा सा ले रही हूँ और मेरे आउट ऑफ वी एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन शेड को लेकर उसी कलर को क्रिस्प एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके उसके जो एजेस है उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप जितनी अच्छी तरीके से ब्लेंड करोगे उतना अच्छा आपका आई मेकअप लुक आता है। अब मैं निका की जो 9 कलर आई शेडो पैलेट है अंडर द सी, उसमें से जो येलो शेड है उसको मैं मेरे आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। मैंने आज येलो ड्रेस पहना है तो ये एक येलो मेकअप आई मेकअप लुक है। तो जो पिगमेंटेशन है ब्रश की हेल्प से उतना ज़्यादा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने जो है फिंगर की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। ये लाइट शेड जो होते हैं ना थोड़ा सा ब्रश की मदद से अच्छे से पिक नहीं होते, तो फिंगर की मदद से काफ़ी अच्छी तरीके से पिक हो गए हैं। अभी मैं उसी लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन शेड को लेकर मेरे आउट ऑफ वी एरिया और क्रीज एरिया पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि येलो के साथ ये अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। अभी मैं जो है स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। ये एक सिल्वर ग्लिटर आई शेडो है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। 120 rupees आई थिंक इसका प्राइस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा क्विक ड्राई भी हो जाता है और लुक भी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से निखर के आता है। उसके बाद जो भी एक्सेसिव पाउडर है मेरे फेस पे उसको मैं डस्ट ऑफ कर दे रही हूँ ब्रश की मदद से। अब मैं करने वाली हूँ कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर की कॉन्ट्रोती फोर से फेस पैलेट इन दी शेड 01। इसमें से जो कॉन्टोरिंग शेड है उसको लेकर मैं मेरे चीक्स को कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग से आपकी फेस जो है बहुत ही ज़्यादा स्कल्प्टेड दिखती है, एक फेस में एक शेप आती है और काफ़ी अगर आपकी डबल चिन की प्रॉब्लम है, आपकी फेस में फैट है, तो उसको भी छुपाने में ये हेल्प करता है। मैं फॉरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा जॉ लाइन के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं नोज़ कॉन्टोर करूँगी, तो नोज़ कॉन्टोर के लिए मैं एक छोटा सा ऐसा ब्रश ले रही हूँ और अच्छे से नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ। मेरे नोज़ थोड़े बड़े हैं तो इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए। उसके बाद मैं ब्लश अप्लाई करूँगी उसी पैलेट में से, जो पीचिश पिंक कलर का ब्लश है वो वाला। ब्लश अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एक फ्लश ऑफ एक कलर आ जाता है आपके चीक्स पे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैं हाइलाइटर के लिए उसी पैलेट में से जो हाइलाइटर है शुगर की हाइलाइटर चैम्पियन जो एक ब्यूटीफुल शैम्पियन कलर की हाइलाइटर है, उसको मैं मेरे जो भी हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द फेस है उस पर अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से और ब्लेंड कर रही हूँ इस तरीके टेपर्ड ब्रश की हेल्प से। अब मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, तो काजल के लिए मैं ले रही हूँ प्लम की काजल। ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड काजल है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, स्मच प्रूफ है। इसको मैं मेरे अपर वाटर लाइन एंड लोअर वाटर लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। लोअर वाटर लाइन पे थोड़ा सा थिक मैं एक काजल ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैं जो स्विस ब्यूटी का जो पैलेट था लाइट ब्राउन शेड मैंने आँखों के ऊपर अप्लाई किया था, उसी लाइट ब्राउन शेड को लेकर जो काजल है उसको अच्छे से स्मच कर दूँगी एक स्मजर ब्रश की हेल्प से। इससे क्या होगा, आपका काजल भी सेट हो जाएगा और लोअर लैश लाइन पे बहुत अच्छी तरीके से एक आई शेडो भी अप्लाई हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की स्केच आईलाइनर। ये बहुत ही अफोर्डेबल, 125 rupees इसका प्राइस है और इसकी पिगमेंटेशन, इसकी ब्रश की जो टिप है वो भी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी ड्राइंग हो जाती है आई शेडो के ऊपर या फिर आप कोई भी ग्लिटर वाला आई शेडो अप्लाई करते हो, थोड़ा सा इसका पिगमेंटेशन जो है कम हो जाता है। आपको एक बार दो बार तीन बार इसको स्वाइप करना पड़ता है, फिर अब इसका जो फुल पिगमेंटेशन है आपको मिलता है। मैं एक विंग आईलाइनर इसकी हेल्प से मैंने ड्रॉ किया है। अभी मैं लॉरियल की लैश पैराडाइज मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मेरे लैशेस पे, जिससे एक वॉल्यूम ऐड हो। और मैं कोई भी फॉल्सेस अप्लाई नहीं करना पसंद करती, तो इसलिए मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का मस्कारा यूज़ कर सकते हो, मैं सजेस्ट करूँगी मेबलिन लॉरियल ये वाला जो मस्कारा है बहुत ही अच्छा रहता है, और अगर आप फॉल्सेस ना अप्लाई करो तो फॉल्सेस वाला इफेक्ट दे देता है। अभी आते हैं ब्राउज पे। तो ब्राउज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की अल्टीमेट आईब्राउ किट। ये मेरी फेवरेट है, इसमें मेरी शेड है
एश ब्राउन, ये मेरी सेकेंड पैलेट है, इसमें से जो डार्क ब्राउन शेड है उसको लेकर इसी में जो एप्लीकेटर आता है एंगुलर वाला, उससे मैं मेरे आईब्रोज को जो है फिल इन कर रही हूँ। इसके अंदर आपको एक प्लकर भी मिलता है और इस जो ब्रश है इसके पीछे आपको स्पूली भी मिल जाता है। तो ये ऑल इन वन अफोर्डेबल बहुत ही अच्छा आईब्रो किट है, बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं पूरे फेस को सेट करने के लिए लॉरियल की इनफॉलिबल मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ, जिससे आपकी मेकअप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। अभी लिपस्टिक के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ NY बेकी लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड 6 मॉडर्न एरा। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्राउन शेड। ये लिपस्टिक जो है, लिक्विड लिपस्टिक जो है, काफ़ी क्रीमी है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और इसकी प्राइस है आई थिंक 120 या 130 रुपीज़। purple.com पे हमेशा ही सेल चलती रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्रिटी एक कलर है येलो के साथ। ऐसा वाला ब्राउन बहुत अच्छी तरीके से जाता है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कैसी लगी आज आपको ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये लुक अगर आप रिक्रिएट कर रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग कीजिएगा। सो बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।